नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का यहां एनालिसिस करने वाले हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो इस सेशन के माध्यम से करंट अफेयर्स को आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें ताकि आप इस लेक्चर के पीडीएफ को वहां से डाउनलोड कर सकें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीकली और मंथली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए और बेहतर तरीके से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज किन किन टॉपिक्स पर एनालिसिस करने वाले हैं सबसे पहले उसे देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हाल ही में चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। जानेंगे चौरी चौरा कांड क्या था, कब हुआ था और यह क्यों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भयानक बाढ़ आई, जिसके चलते ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले लगभग 150 लोग लापता बताए जा रहे हैं और यहाँ पर लगभग 30 लोगों से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद हमारा टॉपिक है, भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी को शुरू हुआ और इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। इसके बाद भारत की पहली भूतापीय विद्युत यानी कि जियो थर्मल पावर परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूबा गाँव में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू हुआ जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट में चल निधि समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत कोई बदलाव नहीं किया है और यह 4% पर बरकरार है। यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक संपन्न हुई जिसमें आरबीआई का रेपो रेट और आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट तय किया गया है। इसके बाद इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ है और इसके साथ ही लोकतंत्र सूचकांक 2020 भी प्रकाशित किया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक के मंड्या जिले में 1600 टन लिथियम भंडार पाए जाने की पुष्टि की है। इसके बाद एयरो इंडिया 2021 बेंगलुरु के इलहांका एयरफोर्स बेस में 3 फरवरी से शुरू हुआ, इस एयर शो का समापन 7 फरवरी को हुआ। 1 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। और इसके बाद हमारा टॉपिक है, एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसने एक रॉकेट फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया है। इसके बाद हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली है। और उसके बाद आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक होगा वो है, भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है और भारत अपना एक नया क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहा है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा। चलिए इसके बाद अब हम हर एक टॉपिक का यहाँ ब्रीफ में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है चौरी चौरा शताब्दी समारोह के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन उससे पहले हम चौरी चौरा कांड के बारे में जानते हैं। तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा नामक एक जगह है, वर्तमान समय में यह एक कस्बा है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक कस्बा स्थित है। क्या हुआ था 4 फरवरी 1922 को? तो चौरी चौरा में किसानों द्वारा एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है जिससे लगभग यहां पर 22 से 23 पुलिस कर्मियों की मौत जलकर हो जाती है और इसी से नाराज होकर महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 को और इससे नाराज होकर, इस कारण से नाराज होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी जी द्वारा। जितने भी मशीनी प्रोडक्ट थे जो विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे थे, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे कोई और कंट्रीज हो, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, यानी कि विदेशी सामानों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था। हालांकि जब भी आप इतिहास विषय पढ़ोगे तो इस पर आप विस्तार से जरूर पढ़ोगे, लेकिन आपको यहां पर जब यह न्यूज में है, शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, तो इस कांड के बारे में संक्षिप्त में पता होना चाहिए।
तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया था, चौरी चौरा कांड क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, चौरी चौरा कहाँ स्थित है। तो हाल ही में चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसके अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला टॉपिक है हमारा एक बहुत बड़ा रीजन, क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में हम बार बार पढ़ते आते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है, ये होने वाला है, आने वाला समय जो है बहुत भयावह हो सकता है। इसका हम कुछ उदाहरण वर्तमान समय में भी देख रहे हैं। 2013 में हमने देखा उत्तराखंड में ही केदारनाथ आपदा, जिसमें हजारों लोगों की जाने गई, और फिर से एक बार हम उत्तराखंड में ही एक भयानक आपदा हमारे सामने से होकर गुजरा है 7 फरवरी 2021 को। तो अगर इसे नहीं रोका गया, इस पर फोकस नहीं किया गया, इसे प्रायोरिटी नहीं दिया गया, यानी कि क्लाइमेट चेंज को, तो आने वाला समय किस प्रकार से हो सकता है हम और आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई रिसर्चर्स, कई साइंटिस्ट भी बता चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। तो खैर, जो भी उत्तराखंड में उस हुआ उसके लिए हम और आप मिलकर प्रे कर सकते हैं, जो भी लोग लापता हैं वो सुरक्षित मिले। तो आप भी प्रे कीजिए, हम भी प्रे करते हैं। तो यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी का एक ग्लेशियर टूटा। ग्लेशियर टूटने की वजह से ऋषि गंगा का जलस्तर बढ़ा, और इसकी वजह से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC प्रोजेक्ट में काम करने वाले लगभग 200 से अधिक लोग गायब हैं, और लगभग 30 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है जिनका शव बरामद किया गया है। तो यहाँ पर नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में आप समझ लीजिए, जहाँ से यह ऋषि गंगा में एक ग्लेशियर टूटा, उसके बाद उसका जलस्तर बढ़ा। तो यह देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, यहीं पर यह ग्लेशियर टूटा है, और नंदा देवी ग्लेशियर जो है नंदा देवी पहाड़ पर स्थित है। कंचनजंगा के बाद यह देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कंचनजंगा स्थित है आपका सिक्किम में, और यह गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में आता है, और चमोली जिले में स्थित नंदा देवी ग्लेशियर के पश्चिम क्षेत्र में ऋषि गंगा नदी है, और पूर्व क्षेत्र में गौरी गंगा घाटी आता है। तो पश्चिम क्षेत्र का ग्लेशियर टूटकर ही ऋषि गंगा नदी में गिरता है, और ऋषि गंगा नदी जो है आगे जाकर धौली गंगा में मिलती है। उसके बाद यह प्रभाव आगे चलते जाता है, उसके बाद अलकनंदा इस समय मर्ज होकर आगे हरिद्वार से यह गंगा नदी बनती है। तो यह किस प्रकार से आपदा सामने आए आप यहां पर देख सकते हो। रैनी नाम का एक गांव था, यही सबसे ज्यादा जो है आपका NTPC तपोवन का यहां पर पावर प्लांट था, और यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और यह फिर आगे जैसे जैसे बढ़ता है यहां पर आपदा बढ़ते जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि इसे अगर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ऐसी आपदाएं बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं। तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से ग्लेशियर बस्ट हुआ, ग्लेशियर बस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हुआ होगा, किसी प्रकार से कमज़ोर हुआ होगा, चाहे आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कह लो, या तापमान बढ़ने की वजह से कह लो, या जिस प्रकार से भी हुआ हो, मेन रीज़न इसका क्लाइमेट चेंज ही आप कह सकते हैं। तो इस टॉपिक का इस्तेमाल आप बहुत जगह कर सकते हो, आप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुख्य परीक्षा में एग्जाम्पल भी दे सकते हो। 2013 का भी आपको पता है केदारनाथ त्रासदी। तो इस तरह से अगर त्रासदी को रोकना है तो सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना होगा। क्लियर। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला हमारा टॉपिक है भारत अमेरिका युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ही है युद्धाभ्यास। तो भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। कब से? 8 फरवरी को यह शुरू हुआ, और इसका समापन जो है 21 फरवरी 2021 को होगा। यह अभ्यास आतंक निरोधी कार्रवाई पर की जा रही है, और यह अभ्यास जो है भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया जा रहा है, और दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2004 से युद्धाभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहली बार युद्धाभ्यास को जो है 2004 में आयोजित किया गया था, तब से लगातार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है, और यह एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में ही राजस्थान में ही एक युद्धाभ्यास किया गया था, डेजर्ट नाइट 21। यह एक वायुसेना अभ्यास था जो कि भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया था। यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन भी राजस्थान में ही किया गया था, और कब से कब तक किया गया था, तो 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच इसका आयोजन किया गया था। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। इसके अलावा आप याद रखिएगा, शक्ति युद्धाभ्यास एक संयुक्त युद्धाभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, जो कि फ्रांस और भारत के बीच आयोजित किया जाता है। और इसके अलावा एक वरुण युद्धाभ्यास है, ये जो है नौसेना अभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक गरुड़ युद्धाभ्यास होता है, ये वायुसेना युद्धाभ्यास है, ये भी भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है।
युद्धाभ्यास एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका का जो नौसेना अभ्यास है उसे हम मालाबार कहते हैं। पहले मालाबार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच शुरू किया गया, उसके बाद इसमें जापान को शामिल किया गया, और उसके बाद यानी कि वर्ष 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया। तो इतने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे अगला हमारा टॉपिक है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ शुरू की जा रही है। तो ये पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में भारत का पहला जियोथर्मल पावर परियोजना शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिकों के द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और यह एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसके पहले चरण में सिर्फ 1 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखी जाएगी। तो भूतापीय विद्युत परियोजना भारत का पहला परियोजना है, कौन से जगह पर स्थापित किया जा रहा है इसके बारे में आपको याद रखना होगा। यह पायलट प्रोजेक्ट है, सिर्फ 1 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होगा, इसके बारे में भी याद रखना होगा आपको। और इस योजना को वर्ष 2022 तक शुरू किए जाने की योजना है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक, तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व को अनुमति दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब स्टेट गवर्नमेंट का जब अनुमति मिल जाएगा तो उसके बाद यह फाइनल हो जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दिया गया, यानी कि टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से इस पर अप्रूवल दे दिया गया है। तो तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम है श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व पहले से स्थित हैं और यह जो है 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। वर्तमान समय में हमारे देश में टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या है 50। और यहाँ पर एक शब्द और आपने सुना होगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया है। और इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन आपका 2005 में किया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इस टाइगर रिजर्व में कितने क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है? तो 1.48 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें तिरुन्ने वैली वन्य जीव अभ्यारण होगा, मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण होगा। इन सब को मिलाकर तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व जो है वो अप्रूव कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से, याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। राष्ट्रीय बागवानी मेला 8 फरवरी 2021 से शुरू हुआ। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यानी कि IIHR परिषद में आयोजित किया जाएगा। और राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का थीम भी याद रखिएगा, स्टार्टअप और स्टैंडअप इंडिया के लिए बागवानी है। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड कुछ और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात किया, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान यह एक स्वायत्त संगठन है, ठीक है, और इस बागवानी के लिए विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी, रणनीतिक, अग्रिम जो भी रिसर्च होते हैं इसके लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और यहीं पर बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि बेंगलुरु में। और यह जो है संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की सब्सिडरी है, जो कि कृषि मंत्रालय का एक नोडल एजेंसी आप इसे कह सकते हो। तो बागवानी मेला 2021 के बारे में आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है मौद्रिक नीति 2021। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर आपका 2021 का 5वां मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग बैठी, और इस मीटिंग में रेपो रेट का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है इसके तहत रेपो रेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि रेपो रेट 4% पर ही बरकरार है अभी भी। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक भारत के विभिन्न बैंकों को लोन देती है, वह दर रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित बनी हुई है, यानी कि रिवर्स रेपो रेट में भी दोनों कंडीशन में किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रिवर्स रेपो रेट के जस्ट उल्टा होता है। रेपो रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देती है जिस दर पर, वह दर रेपो रेट कहलाता है। और रिवर्स रेपो रेट में जो अगर बैंकों के पास में ज़्यादा पैसा है तो वह पैसा आरबीआई को दिया जाता है, और आरबीआई से जो उसे ब्याज के तौर पर मिलता है तो वह दर जो है रिवर्स रेपो रेट कहलाता है।
और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में 10.5% पर रहने का भी अनुमान लगाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पांचवी बैठक में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में लॉकडाउन की वजह से उद्योग के बंद होने के कारण 2021 के जून तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई और सितंबर वाली तिमाही में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यह भी बताया गया है। अब यहाँ पर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है और यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करता है। चाहे इन्फ्लेशन रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, इन सब का जो निर्धारण है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में ही किया जाता है। और मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कब 27 जून 2016 को इसे जो है स्थापित किया गया था। 6 सदस्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो सरकार के होते हैं, जिसमें से जो इसके मुख्य होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कितने सदस्य होते हैं, कब गठित किया गया था, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और पूरे साल भर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 से 5 बार मीटिंग करती है, देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उस पर नज़र बनाने का काम करती है और उसमें सुधार करने का भी काम करती है। अगला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र सूचकांक 2020। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट भी रिलीज किया है। इस रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, और इसके साथ ही ग्लोबल लोकतंत्र सूचकांक 2020 को भी जारी किया गया। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इस रिपोर्ट के बारे में भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस इंडेक्स में इस वर्ष यानी कि 2020 के इस रिपोर्ट में टोटल 167 कंट्रीज को कवर किया गया है, यानी कि शामिल किया गया है। इसमें अर्थव्यवस्थाओं के त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, पूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन और सत्तावादी शासन जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 23 देश जो हैं वो पूर्ण लोकतंत्र के कैटेगरी में आते हैं और इसके अलावा 52 कंट्रीज जो हैं वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के कैटेगरी में आते हैं। और जो भारत की रैंकिंग है वो है आपका त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 35 कंट्रीज है वो हाइब्रिड शासन है और 57 कंट्रीज जो है वो सत्तावादी शासन के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हम जो रैंकिंग है विभिन्न कंट्रीज का वो देख लेते हैं। तो जो टॉप पे है वो नॉर्वे, यानी कि यहाँ का लोकतंत्र जो है वो सबसे बेहतर है। दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें स्थान पर इंडेक्स में आइसलैंड आ जाता है, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कैनेडा आ जाता है। पिछले वर्ष की रैंकिंग में भारत का स्थान जो था उससे 2 स्थान का इस वर्ष नुकसान हुआ है। इस वर्ष 53 रैंकिंग मिला है भारत को, पिछले वर्ष जो है यानी कि 2019 के रैंकिंग में 51 पर था। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक कैटेगरी में आता है इस रैंकिंग के अनुसार। क्लियर है? चलिए, तो याद रखिएगा लोकतंत्र सूचकांक 2020 के बारे में। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है लिथियम की भंडार भारत में खोजी गई है। लिथियम हमारे लिए बहुत मायने रखता है और पिछले कुछ समय से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिथियम चाइना से हम इंपोर्ट करना बंद कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारा एक डील हुआ था लिथियम को इंपोर्ट करने के लिए, तो लिथियम का भंडार कर्नाटक में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो कर्नाटक के मांड्या जिले में 1600 टन लिथियम का भंडार पाए जाने की हाल ही में पुष्टि की गई है और भारत का पहला लिथियम प्लांट, जो कि पिछले कुछ दिन पहले ही न्यूज में था, भारत का पहला लिथियम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो 2021 में यानी कि इसी वर्ष गुजरात में स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो कि 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि हम अर्जेंटीना से भी बहुत अधिक मात्रा में लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं और वर्तमान समय में हमारा 2022 तक अर्जेंटीना के साथ में एग्रीमेंट भी है। अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा लिथियम का भंडार पाया जाता है, हालांकि बोलीविया में जो है सबसे ज़्यादा लिथियम का रिजर्व है। यहाँ पर लगभग 21 मिलियन टन बोलीविया में रिजर्व है लिथियम का और अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन जो है
वो यहाँ पर रिजर्व है लिथियम का। तो हम अर्जेंटीना से भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया से भी हमने डील किया है लिथियम के लिए। लिथियम कई जगह यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यूज़ करते हो और इसमें जो बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे बड़ा उपयोग तो बैटरी में ही किया जाता है। और आने वाले समय में हम अगर इलेक्ट्रिक कार की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, सौर पैनल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर लिथियम का उपयोग आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो हमारे लिए लिथियम का भंडार मिलना एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है एयरो इंडिया 2021। एक एयर शो है जो कि भारत के होम मिनिस्ट्री की तरफ से, इस भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो एयरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु के इलहंका एयर फोर्स बेस में किया जाता है। इस वर्ष इसका आयोजन जो है 3 फरवरी को शुरू किया गया, जो कि 7 फरवरी तक चला। भारतीय वायुसेना, इसमें एक डील भी किया गया है जो कि भारतीय वायुसेना को 83 हल्के लड़ाकू विमान यानी कि तेजस की आपूर्ति के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में डील किया गया है, जो कि लगभग 48,000 करोड़ रुपए का है। और इस ईयर शो में ना सिर्फ भारत के जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं इस ईयर शो में प्रदर्शन किया जाता है, बल्कि विदेश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बोइंग हो गया, अमेरिका का, फ्रांस का राफेल हो गया, ये सारी कंपनियां भी इस ईयर शो में हिस्सा लेती हैं। तो याद रखिएगा एयरो इंडिया 2021 के बारे में, और एयरो इंडिया किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अगला हमारा टॉपिक है आदि महोत्सव 2021। 1 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा और यह पहल 2017 से सफलतापूर्वक चली आ रही है, यानी कि आदि महोत्सव का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का आयोजन जो है नई दिल्ली के हाट में किया जा रहा है और इसमें आदिवासियों कला, शिल्प और चिकित्सा भोजन और लोक कला का प्रदर्शन शामिल है। यानी कि आदिवासियों के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, चाहे हैंडमेड प्रोडक्ट हो या कोई भी और प्रोडक्ट हो, उसका प्रदर्शनी इस आदि महोत्सव में किया जाता है। इस समारोह में देश के 20 राज्यों से हजारों आदिवासी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो आदिवासी महोत्सव के बारे में आप याद रखिएगा। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है स्पेसएक्स, जो कि इलॉन मस्क की एक कंपनी है, अमेरिका में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी कह सकते हो आप, स्पेस से रिलेटेड है, जो कि हाल ही में एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। याद रखिएगा, यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है और एक ही रॉकेट से, जिस रॉकेट का नाम है वो है फाल्कन 9 रॉकेट से 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया। इससे पहले इसरो ने एक साथ सबसे ज्यादा रॉकेट लॉन्च किया था, कब? 2017 में, और एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था। और उस रॉकेट का नाम क्या था? PSLV-C-37। इस रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था 2017 में, और इसरो के रिकॉर्ड तोड़ा फाल्कन 9, जो कि स्पेसएक्स का एक रॉकेट है जिससे 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। स्पेसएक्स का मिशन है मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है, आपने सुना होगा कि म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है हाल ही में और वहाँ की सेना का कब्जा हो चुका है वहाँ की सत्ता पर। इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह म्यांमार में तीसरा तख्ता पलट है, यानी कि इससे पहले भी 2 बार म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। और म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि में आपातकाल लागू कर दिया गया है, यानी कि इस तख्ता पलट के बाद म्यांमार में अभी वर्तमान समय में इमरजेंसी लागू है, जो कि 1 वर्ष की अवधि तक रहेगा। और प्रायः देखा गया है कि तख्ता पलट का अर्थ जो है वो हिंसक और अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को शक्तियों से दबाना और उस पर कब्जा करना होता है। ठीक, म्यांमार से रिलेटेड कुछ यहाँ पर हम फैक्ट्स देख लेते हैं। म्यांमार को जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, यह दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है, जो कि थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चीन और भारत आदि देशों के साथ में ये अपनी सीमा को जो है वो साझा करता है। आप यहाँ पर इस मैप में भी देख सकते हो।
क्लियर है। चलिए, और म्यांमार की आबादी यानी कि पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 54 मिलियन इसकी पॉपुलेशन है, जिसमें अधिकांश जो है वो वर्मी भाषा के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि म्यांमार में आखिर सेना ने तख्ता पलट क्यों किया। तो यहाँ पर नवंबर 2000 में संसदीय चुनाव हुआ था, जो कि आंग सान सू की राजनीतिक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक की अधिकांश सीटें हासिल हुई थी और इन्हीं की सरकार बनी थी। वर्ष 2008 में सेना द्वारा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था और उसमें ये प्रोविजन किया गया था कि म्यांमार की संसद में सेना के पास कुल 25% हिस्सा रहेंगे और 25% हिस्सा है भी, और कई प्रमुख मंत्री भी सैन्य नियुक्तियों के ही होते हैं, यानी कि सेना के लोग ही कई प्रमुख मंत्री पद पर भी होते हैं। अब वर्ष 2021 की शुरुआत में जब नव निर्वाचित संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया, तभी सेना द्वारा वहाँ संसदीय चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कई सारे आरोप लगाया और वहाँ तख्ता पलट सेना के द्वारा कर दिया गया। तो याद रखिएगा किस वजह से किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आज के इस एनालिसिस वीडियो में जो हमारा लास्ट का टॉपिक है, वो भारत में निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होता है, जो कि आज की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही अहम योगदान निभा रहा है। तो भारत सरकार ने यह संकेत दिया है कि बिटकॉइन जैसी जो निजी क्रिप्टो करेंसी है यानी कि डिजिटल करेंसी है, उस पर प्रतिबंध लगाकर एक नया कानून बनाया जाएगा और इस कानून के तहत भारत का एक अपना अलग से डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी बनाया जाएगा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश में रहेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उसे कंट्रोल किया जाएगा। अभी जो क्रिप्टो करेंसी है या डिजिटल करेंसी है, उसे किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा जो है कंट्रोल नहीं किया जाता, यानी कि किसी भी बैंक के अंडर में वो नहीं आता है। यह डिजिटल करेंसी है, यह मार्केट पे डिपेंड करता है, उसका वैल्यू मार्केट पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि भारत की आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए योजना बना रही है और नया कानून भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। ठीक, क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने बताया एक प्रकार का डिजिटल करेंसी होता है, जिसे लेन देन संबंधी जानकारियों को कूटनीतिक तरीके से भी केंद्रीय डेटाबेस में किया जाता है। कोई भी बैंक इसे कंट्रोल नहीं करती है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, इसका डिमांड पे डिपेंड करता है। डिमांड बढ़ा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप एक अंदाजा लगा सकते हो बिटकॉइन से, जब 2016 की में बिटकॉइन शुरू हुआ था, यानी कि 2016 में बिटकॉइन का रेट जो था एक बिटकॉइन 30,000 रुपए था और आज के समय पे बिटकॉइन का रेट जो है वो 34,00,000 तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हो कि इस करेंसी की वैल्यू कितनी होती है और मार्केट में किसी के पास में इसका कंट्रोल नहीं है, तो कहा जाता है कि कभी भी ये डाउन हो सकता है, कभी भी ये खत्म हो सकता है। इसीलिए भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कही जा रही है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो। तो हमने जितने भी टॉपिक्स को एनालिसिस किया वो सारे इंपॉर्टेंट थे, तो आप सारे को अच्छे से कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।